हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास, हाउ टू यूज क्लास इन सीएसएस। जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में हमने देखा था कि पैराग्राफ में अगर हमें कई सारे एट्रीब्यूट्स देने हैं, यानी बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, तो वो सब हम कैसे दे सकते हैं, और H1 में यानी हेडिंग में देने हैं तो किस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में अगर हम पेजेस में, किसी भी एक पेज में कई सारे पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बार हमें सीएसएस लिखनी थी, जो कि हमने लिखी थी हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में। ओके, उसके बाद अब हमने सीखा था एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में हम किसी दूसरी फाइल में पीएच या फिर मार्की टैग्स के लिए कोडिंग करते हैं या सीएसएस लिखते हैं और उसको अपनी इस फाइल पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास। क्लास में हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के अलग अलग क्लास बना सकते हैं, कई सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स के भी बना सकते हैं और ग्रुप एट्रीब्यूट्स के भी क्लास बना सकते हैं, और उस क्लास को फिर हम जिस पर चाहे उस पर यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स H1 पर चाहे तो H1 पर यूज कर सकते हैं, P पर चाहे यानी पैराग्राफ पर चाहे तो पैराग्राफ पर यूज कर सकते हैं, और अगर मार्की पर चाहे तो मार्की पर भी उसी को यूज किया जा सकता है। ओके, यानी कि इससे पहले जो भी हम कर रहे थे वो पर्टिकुलर किसी टैग के लिए था, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास स्टोर रहेगा और फिर हम उसे किसी भी टैग पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें क्लासेस का यूज करना है। यहाँ पर मैंने सिंपली एक फाइल बनाई हुई है class1.css के नाम से, सेव कर लेते हैं, सेव एस करते हैं, और इसका नाम हमने क्लास रखा हुआ है class1, और .html लिखकर हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने सेव कर ली है फाइल, और अब हम अपनी सी पर देखते हैं, सीएसएस पर। यहां पर हमारा क्लास वन के नाम से है और इसे हम ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये सिंपल हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम क्लास बनाकर किस तरह से यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें यहीं पर आना है, तो अब यहां पर हम स्टाइल टैग के अंदर, इससे पहले जो हम लोगों ने स्टाइल टैग यूज किया था इंटरनल सीएसएस में, वही स्टाइल टैग यूज करना है, और यहां पर हम क्लास के लिए डॉट लगाते हैं, और इसमें हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का भी नेम दे सकते हैं, हम चाहें तो जो एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी नेम ले सकते हैं, या फिर हम कोई नया नेम भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोडिंग करते हैं। हमने ले लिया है कलर रेड, और यहाँ पर हम दे रहे हैं बैकग्राउंड डैश कलर, ये हमारा हो जाएगा ब्लैक, BLACK ब्लैक। ओके, अब हमने इसको बंद कर दिया है। अभी इससे कुछ भी नहीं होगा, हम इससे जो भी काम है वो तब होगा जब हम इसको यूज करेंगे। यूज कहाँ करना है, दैट मीन्स ये जो हमने चेंज किया है वो किस जगह आएगा, हेडिंग में आए या P1 में आए, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये क्लास हमारा जो है सुमित नाम का, ये यहाँ पर आएगा, यानी कि H1 में, जहाँ पर हमने लगाया है हेडिंग। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और अपने इस पेज पर रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रेश हो गया है और ये टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर आ गया है। ओके, इसी तरह से हम कई सारे बना सकते हैं। तो अगला हम एक और बना लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है अमित, और
इसमें हम ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं फॉन्ट डैश साइज, और यहाँ पर हम दे दे रहे हैं 25। ओके, इसको हमने सेव कर लिया है। और अब जो है हम इसको कहाँ पर ले जाएंगे, पी टैग में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको पी टैग में यूज़ कर लेते हैं, इस वाले पी में। ये हो गया हमारा क्लास और इक्वल टू, और यहाँ पर दे दिया हमने अमित। ओके, तो इस तरह से इसे ले लिया है, और F5 से सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ गया है। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे और एक ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ और नेम दे देते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन का ना लेकर डॉट बोल्ड या हम ले रहे हैं टेक्स्ट बोल्ड। ओके, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम ये लिख दिया है बोल्ड। ओके, इसको सेमी कोलन लगा के बंद कर दिया है। अब इसे हम कहाँ अप्लाई कर देते हैं, इसे हम सेकंड वाले पैराग्राफ में अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर ले रहे हैं, हमारा क्लास है ये, और क्लास का क्या नेम है, टेक्स्ट बोल्ड। ओके, और इसको सेव करके यहाँ पर F5 से रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल्ड नहीं आया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये होगा फॉन्ट, FONT फॉन्ट। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं आया है। तो हम यहाँ पर ले रहे थे टेक्स्ट बोल्ड, यहाँ पर देखिए हमने क्लास में इक्वल की जगह कोलन लगा दिया है, तो ये इक्वल लगेगा और यहाँ डबल कोट लगेगा। ओके, अब हम इसे चेक करते हैं सेव करके, तो ये यहाँ पर देखिए बोल्ड हो गया है। ओके, तो इस तरह से हमने थ्री क्लासेस बनाए हैं और तीनों पर अलग अलग अप्लाई किया है। अब इन तीनों क्लासेस को हम चाहें तो एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे आप लोग। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा लास्ट वाला हम पी टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं क्लास और डैश, और यहाँ पर हमने पहला नेम लिया है सुमित, स्पेस दिया है और लिखा है अमित, और फिर स्पेस दिया है और इसका लिखा है हमारा क्या था, टेक्स्ट बोल्ड। ओके, तो ये हमारे तीनों हो गए हैं, और इसको हमने सेव कर लिया है, और यहाँ पर F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए तीनों चीज़ें आ गई हैं, साइज भी बड़ा हो गया है, टेक्स्ट बोल्ड भी हो गया है, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर भी हो गया है। ओके, तो इसी तरह से हम जितने चाहें उतने क्लासेस बना सकते हैं, और उसे एक पर या कई पर अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और सीखेंगे ID। ओके। उज्मा CKC YouTube पे लिखना है तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। उसके बाद इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप चैनल में जाएंगे, और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा। ओके, तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं। ओके, तो अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग के वीडियोस देखने हैं तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा सी लैंग्वेज के, या फिर ऑफिस के, पावर पॉइंट के, इसी तरह हिंदी टाइपिंग। ओके, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे सारे वीडियोस, तो इससे आपके लिए आसानी रहेगी। जहाँ पर हमारे पास टैली की, ऑफिस की और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस हैं। और दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस रेड बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।